इस रेसिपी वीडियो में हम आपको चार अलग अलग तरह के पकोड़े बनाना सिखाएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे इनके सीक्रेट मसाले, जैसे कि बाजार में बनते हैं। तो चलिए आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चार अलग अलग तरह के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पकोड़े का बैटर। इसके लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम बेसन लिया है। अब इस बेसन में हम डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इससे डालने से अच्छी रंगत आएगी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। पकोड़े का बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा, जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं उस तरह का इसका बैटर होना चाहिए। और आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हों। अब हमने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच तेल। तेल डालने से पकोड़े ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पकोड़े का बैटर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे। अब हम बनाएंगे इसके लिए मैरिनेशन। 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 चुटकी काला नमक। इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हो गई पकौड़ों के लिए मैरिनेशन। यहाँ हमने 2 इंच की गोभी को छोटा छोटा काट लिया है। ये गोभी हमने धोकर रखी हुई थी अच्छी तरह से। अब हम एक बाउल में पानी को उबालने के लिए रख देंगे। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाएगा तब हम इसमें गोभी के पीसेस डाल देंगे और गोभी को करीब 2 मिनट तक के लिए ब्लांच करेंगे। दो मिनट बाद गोभी को अब हम पानी से निकाल लेंगे। और कुछ देर इसे ठंडा होने देंगे। जब गोभी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें मैरिनेशन का जो हमने मसाला बनाया था, ये सीक्रेट मसाला है, इसे हम गोभी पर लगा देंगे। और मसाले को लगाने से पकोड़े का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। इस तेल को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे और जो मैरिनेटेड गोभी थी उसे हम एक एक करके बैटर में, बेसन के बैटर में डिप करेंगे और उसे जब तेल गर्म हो जाएगा तो कढ़ाई में तलने के लिए डाल देंगे। इसी तरह से बाकी के पीसेस को डिप करेंगे और कढ़ाई में तलने के लिए डाल देंगे। ये हमने सारे गोभी के पीसेस तलने के लिए डाल दिए हैं। इसे लगातार बीच बीच में हमने चलाते रहना है। इसे हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये सुनहरे हो जाएंगे। गोभी के पकोड़े तैयार हो चुके हैं, इन पर सुनहरी रंगत आ चुकी है, इसलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। ये लीजिए गोभी के पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब हम आलू के पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 आलू लिए थे, उन्हें पतला पतला काट लिया है। इसे भी हम पानी बचा हुआ था उसी पानी में हम आलू के स्लाइसेस को डालकर ब्लांच करेंगे। इन्हें भी करीब 2 मिनट के लिए ब्लांच करना है। और ब्लांच होने के बाद अब हम आंच को बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू के स्लाइसेस को थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम इसमें 1 चुटकी काला नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसी तरह से हमने यहाँ पर कद्दू या सीताफल लिया है 100 ग्राम, उसे बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इस पर भी हम मैरिनेशन कर रहे हैं, काला नमक लगा रहे हैं थोड़ा सा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर छिड़क रहे हैं। पनीर 200 ग्राम लिया और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसमें एक कट लगा रहे हैं और उस पर जो मसाला हमने गोभी में लगाया था वो इसमें भर रहे हैं। अगर आप दूसरा मसाला डालना चाहते हैं तो डालिए काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और भुना जीरा पाउडर। इसे इस तरह से तैयार करके रख लें। मैरिनेटेड आलूओं को अब हम बेसन के बैटर में डिप करेंगे और इन्हें कढ़ाई में तलने के लिए डाल देंगे। इसी तरह से बाकी के सभी पीसेस को भी हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इन्हें हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। फ्राई करने के दौरान हम इन्हें लगातार बीच बीच में उलटते पलटते रहेंगे। जैसे ही सुनहरी रंगत इन पर आ जाएगी, आलू के पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। ये लीजिए, सुनहरी रंगत आ चुकी है। अब हम आलू के पकौड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से अब हम मैरिनेटेड पनीर लेंगे। पनीर की क्यूब्स को हम बेसन के बैटर में डिप करेंगे। सभी क्यूब्स को डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से बैटर में कोट करेंगे और इन्हें तलने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। सभी पीसेस को कढ़ाई में तलने के लिए डालते जाएंगे। इन्हें भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सुनहरी रंगत के नहीं हो जाते और इस दौरान हम इन्हें बीच बीच में उलटते पलटते रहेंगे। जैसे ही सुनहरी रंगत पनीर पकोड़ों पर आ जाएगी हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, सुनहरी रंगत आते ही हमने पनीर के पकोड़ों को निकाल लिया है और एक प्लेट में रख लिया है। पनीर के पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब हम कद्दू के पकोड़े बनाएंगे। ये मैरिनेटेड कद्दू या सीताफल हैं। इन्हें बेसन के बैटर में अच्छी तरह से हम डिप करेंगे। एक एक स्लाइस को तेल में तलने के लिए डालते जाएंगे। इन्हें लगातार बीच बीच में पलटते रहें। इन्हें भी हमने तब तक पकाना है जब तक इन पर सुनहरी रंगत आ जाती है, तब तक ही हम इन्हें पकाएंगे। इस दौरान हम इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे। जैसे ही सुनहरी रंगत आ जाएगी इन्हें निकाल लेंगे। ये लीजिए, हमारे कद्दू के पकोड़े या सीताफल के पकोड़े बनकर तैयार हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 4 अलग अलग तरह के पकोड़े कैसे बनाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और रेसिपी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।